नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रश्न लेकर आई हुई हूँ। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BROAD को ASNBC लिखा जाता है तो BOARD बोर्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका पता लगाने के पहले हमें तो इन दोनों में पता लगाना है कि जो सीक्वेंस कैसे जा रहा है। तो हम दोनों को लिख लेते हैं BROAD। उसका क्या दिया गया है, ASNBC। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस वाले वर्ड को भी हम लिख लिए रहते हैं BOARD। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे बी दिया गया था सबसे पहले। अब बी का एक पिछला चला गया है, मतलब -1 में चला गया है। उसके बाद आर के बाद एस आता है तो ये +1 चला गया। उसके बाद ये कैसे जा रहा है, ओ के एक अक्षर पहले, मतलब -1। ए के बाद बी जा रहा है +1। उसके बाद डी से फिर पहले जा रहा है, मतलब -1। मतलब क्रम कैसे जा रहा है, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। मतलब एक पिछला जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर पिछले वाले में जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर पीछे जा रहा है। तो हमें भी इसे ऐसे ही जमाना है, कैसे, -1 +1 -1 +1 और -1। तो चलिए हम इससे एक अक्षर पीछे चले जाते हैं, तो बी से पिछला जब जाएंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद ओ के बाद, ओ के हम आगे जाएंगे तो ओ के बाद आता है पी। उसके बाद ए से फिर पिछले चले जाएंगे तो क्या आएगा, जेड, जेड आएगा। उसके बाद आर के बाद अगले चले जाएंगे तो आएगा एस, और डी से एक पहले चले जाएंगे तो आएगा हमारा सी। तो इसका आएगा BOARD का APZSC। कहाँ दिया गया है, APZS, ये दिख गया हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर। ऐसे ही आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने सीखना है, सीक्वेंस पता लगाना है कि वो कैसे जा रहा है, फिर हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।